आज के युग में लोग चंद पैसों की खातिर इंसान की जान के दुश्मन बनने को उतारू हो जाते हैं। ऐसा ही एक ताजा उदाहरण सामने आया है रोहतक की शास्त्री नगर कॉलोनी से, जहां खाने के मसालों की एक नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यहां मसालों में लकड़ी का बुरादा मिक्स कर पैक किया जा रहा था। फैक्ट्री का संचालन करने वाले ने इतना दिमाग लगाया कि उसने इस नकली मसाले की पैकिंग के लिए देश के बड़े ब्रांड MDH और एवरेस्ट के नकली पैकेट तक बनवाए हुए थे, जिनमें वो पैकिंग कर इस नकली मसाले को बाजार में भेज रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां छापेमारी की और मौके पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भी बुलाया गया, लेकिन मालिक मौके से फरार हो गया। वहीं फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली मसाला, काफी मशीनें और ब्रांड के पैकेट बरामद हुए। हमें सूचना मिली थी कि जो शास्त्री नगर है, यहाँ पर अवैध रूप से एक नकली मसाले बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जहाँ पर पैकिंग की जाती है एवरेस्ट और MDH के नाम पर मसाले पैकिंग करके और मार्केट में बेचे जाते हैं। और इसके जो मालिक हैं वो राजेश भलारा निवासी बहु जमालपुर हैं। तो इस सूचना के आधार पर हमने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को साथ लेकर यहाँ पर कार्रवाई की, तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमें मशीन और लगभग 100 से अधिक कट्टे मसालों के जो कच्चा माल होता है वो हैं, बाकी कुछ बड़ी मात्रा में पैकिंग MDH के और एवरेस्ट के जो प्रोडक्ट गरम मसाले, सूप, चिकन मसाला, बहुत सारे सामान यहाँ पर मिले हुए हैं। अभी कार्रवाई चल रही है, जो भी हमारे जो सामान यहाँ पर जो रखा हुआ है उसकी काउंटिंग चल रही है, साथ में जो फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर आई हुई हैं वो सैंपलिंग का काम कर रही हैं। इनकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके और बाकी जो है इसका जो मालिक था राजेश भलारा वो यहाँ से फरार है, उसको भी पकड़ने के लिए कोशिश जारी है। फिलहाल यहां से सैंपल भरकर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं पुलिस ने कंपनी के कई वर्कर्स को भी काबू किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। रोहतक से दिनेश कौशिक, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।